नमस्कार दर्शकों कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत खासतौर से चेक बाउंस संबंधी कानून पर हम चर्चा करेंगे बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अजय प्रताप सिंह जी सर कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों जैसा कि हमारा आज का विषय है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो हम आपको बता दें कि आज हम खासतौर से चर्चा कर रहे हैं इस एक्ट के अंतर्गत जो चेक बाउंस से संबंधित प्रकरण होते हैं उनके बारे में और चेक बाउंस से संबंधित प्रकरणों में क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए क्या समय सीमा होती है और किस तरह से चेक जारी करते समय और लेते समय आपको सावधानियाँ रखना है आज हम खास तौर से इन पर चर्चा करेंगे कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइफ ऑन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं हमारा टोल फ्री नंबर है वन एट डबल जीरो टू डबल थ्री डबल जीरो फोर ज़ीरो दूसरा नंबर है जीरो सेवन डबल फाइव टू डबल सिक्स डबल जीरो फोर नाइन टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें वन एट डबल जीरो टू डबल थ्री डबल जीरो फोर जीरो जीरो सेवन डबल फाइव टू डबल सिक्स डबल जीरो फोर नाइन आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं सर जैसा कि हमारा आज का विषय है निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है और इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि चेक बाउन संबंधी कानून क्या है जी बिल्कुल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इस कानून का नाम है जिसमें चेक बाउंस संबंधी प्रावधान किए गए हैं जी आ, इस एक्ट की भाषा जो है मैं जहाँ तक इस कार्यक्रम की मंशा समझ पाया हूँ कि हमें कानूनी भाषा में न पढ़ के बहुत ही सरल शब्दों में अपने श्रोतागण को जानकारी देना है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे सामाजिक गतिविधियाँ बढ़ी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी तो मुद्रा प्रचलन में आई जी। मुद्रा प्रचलन में आने के बाद भी एक बहुत बड़ी समस्या रही कि, कि किसी वित्तीय संव्यवहार में जिसमें कि बहुत बड़ी मुद्रा इन्वॉल्व होती है मनी बहुत बड़ी इन्वॉल्व होती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा को लेके जाना जी। सुरक्षित भी नहीं था और संभव भी नहीं था बिल्कुल तो इसके वैकल्पिक समाधान जो खोजे गए तो वो चेक ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है इसके माध्यम से खोजे गए और इसमें चेक विनिमय पत्र और वचन पत्र ये तीन ऐसे लिखे विलेख बताए गए हैं जो कि इस एक्ट में कवर होते हैं और इसी एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस संबंधी जो कानून है वो भी लाया गया है जिससे कि वित्तीय संव्यवहार में अगर कोई दायित्व स्वीकार किया जाता है तो उस दायित्व को स्वीकार करने वाले के ऊपर ये जिम्मेदारी भी डाली गई है कि जो दायित्व आपने स्वीकार किया है उसकी हर हाल में पूर्ति होना चाहिए सर इस कानून को लाने के पीछे क्या उद्देश्य था और क्यों आवश्यकता महसूस की गई कि अलग से कानून लाया जाए जी बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी जैसा कि मैंने पहले बताया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है तो ये बेसिकली सिविल लॉ का भाग है जी. जिसमें कि वित्तीय लेन देन के संबंध में मैंने बताया कि, कि जो कार्यवाही होती हैं तो उसके लिए विनिमय पत्र वचन पत्र और चेक ये तीन जो चीजें थी ये अस्तित्व में थी एक अप्रैल उन्नीस से इस एक्ट में सत्रहवा अध्याय जो जोड़ा गया है एक जो धारा इंट्रोड्यूस की गई है उस एक्ट में जो अमेंडमेंट करने का या इस धारा को जोड़ने के पीछे जो मनसा रही है वो ये रही है कि कोई भी लेन देन जब होता है तो उस लेन देन में किसी पक्षकार ने जो चेक जारी किया है तो वो चेक केवल कागज का एक पूरा टुकड़ा बन ना रह जाए और बैंकिंग समव्यवहार में या बड़े व्यापारिक जो व्यापारिक गतिविधियां जैसे बड़ी नब्बे के दशक में तो उन गतिविधियों में चेकों का आदान प्रदान जो है वो तेजी से हुआ तो उस दायित्व की पूर्ति के लिए इसके पीछे एक पीनल क्लॉज डाला गया है दंड का जो प्रावधान किया गया है वो इसलिए किया गया है कि जिससे कि ये जो चेक दिए जा रहे हैं इन चेक के देने के बाद वो पक्षकार जिसने वो चेक जारी किया है उसकी हर हाल में पूर्ति करे और अगर वो नहीं करता है तो न्यायालय के माध्यम से उसको दंड दिलाया जाए और उस दायित्व की पूर्ति कराई जाए जी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इसके पीछे मंशा एक कोई भी चेक एक कागज़ का टुकड़ा न बन के रह जाए इसलिए दंड का प्रावधान किया गया है सर हम बात कर रहे हैं जब चेक बाउंस की तो इसको जो प्रकरण दायर किए जाते हैं क्या समय सीमा निर्धारित की गई है क्या कोई समय है कि इतने समय में अगर चेक आपका बाउंस होता है तभी आप कर सकते हैं जी बहुत अच्छा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेसिकली ये एक्ट जो है और चेक बाउंस का जो पूरा का पूरा कानून है ये समय सीमा पर ही निर्भर करता है जी धारा एक में जो समय सीमाएं बताई गई हैं उन समय सीमाओं का हमें विशेष ध्यान रखना है और इसके साथ साथ न्यायालय में जब हम मामला पेश करते हैं तो मामला पेश करते समय हमें धारा एक में जो समय सीमा बताई गई उसका विशेष ध्यान रखना है एक में जो बताया गया है कि कोई भी चेक जी उसकी वैधता की अवधि में ही बैंक में पेश किया जाना चाहिए जी उस वैधता की अवधि में पेश किए जाने के पश्चात अगर उसका भुगतान नहीं होता है यानी कि चेक बाउंस हो जाता है जी. तो चेक बाउंस की सूचना उसको जमा करने वाले व्यक्ति को जब मिल जाती है तो जी. उस सूचना से तीस दिन के भीतर जिस व्यक्ति ने वो चेक जारी किया है उसको एक लिखित में डिमांड नोटिस भेजा जाना चाहिए जी। और जिस व्यक्ति को डिमांड नोटिस भेजा गया है यानी कि जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड है हमारा जी। उसको जब वो नोटिस मिल गया है तो नोटिस मिलने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर भुगतान हो जाना चाहिए अगर ये तीनों चीजें हो जाती हैं भुगतान प्राप्त हो जाता है तो एक की कोई बात नहीं बनती है लेकिन पंद्रह दिन तक जैसे ही वो तीसरी जो समय सीमा में बताई पंद्रह दिन के भीतर अगर वो भुगतान करने में असफल रहता है जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है जी जी। तो सोलहवें दिन से ये अपराध पूरा हो जाता है और उस सोलहवें दिन से लेके एक माह के भीतर आपको न्यायालय में अपना मामला पेश करना होता है जी आपने बहुत अच्छी एक समय दिया जाता है कि किसी से की कई बार ऐसा होता है कि ये परिस्थितियां जो होती है पक्षकार के कंट्रोल से बाहर होती है पक्षकार मंशा रखता है की वो जो चेक उसने जारी किया है उसका भुगतान उसके पाने वाले को अवश्य हो यानी ईमानदार जो ड्रावर है उसको कुछ सेफ जो है कानून ने उपलब्ध कराए हैं कि अगर आपकी मंशा है कि आप चेक का भुगतान वास्तव में करना चाहते हैं तो आपको एक मौका दिया जाता है कि जैसे ही आपको नोटिस मिला आप नोटिस मिलने से पंद्रह दिन के भीतर उसका भुगतान कर दें तो आप चेक बाउंस के दायित्व से बच सकते हैं सर यदि कोई प्री मेचर कंप्लेंट दायर करता है बिना नोटिस दिए और सिर्फ जी जी, जी हमारे कॉलर भी इस लाइन पे आ गए हैं हम उनका सवाल लेते हैं नंद स्वरूप जी हैं

कानून की जानकारी हर पक्षकार को नहीं होती है लेकिन एक चीज हमें समझना होगी कि कानूनी व्यवस्था में विधि शास्त्र में जो कानून की जानकारी ना होना कोई बचाव नहीं है तो ये सेफ तो आपको ही रखना चाहिए कि जैसे अब आपने मान के चलिए ये चेक बाउंस के हटके में एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि आपने बिना लाइसेंस के कोई गन रखी अपने पास ठीक है और उससे कोई अपराध हो जाता है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि साहब हमें जानकारी नहीं थी कि इसका लाइसेंस जरूरी है तो इस तरह की ये जो बातें आती हैं ये बेसिकली ये विषय जो है ये चर्चा का विषय है और लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम जो है वो बार बार संचालित होते रहना चाहिए कि जब चेक जारी होता है तो उसकी क्या लिमिटेशन होती है ऑल दो इसके संबंध में समय समय पर बैंकिंग uh, रेगुलेशंस जो जारी किए जाते हैं तो उनका प्रचार प्रसार भी सरकार के द्वारा किया जाता है और जो व्यक्ति uh, रोज़मर्रा के जीवन में चेक लेता रहता है या चेक जारी करता रहता है तो इसके संबंध में जानकारी होती है लेकिन खासतौर से आप सबसे पहले एक चीज़ जान लें कि चेक जब जारी होता है तो उसके ऊपर जो ब्लॉक्स बने रहते हैं चेक पर उनमें जो तारीख लिखी गई है उस तारीख से तीन महीने के भीतर उस चेक को पेश करना ही है इतना तो आपको पता होना चाहिए और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा जैसा कि जो हमारे दर्शक ने जो प्रश्न किया है तो इस प्रश्न के संबंध में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कानून किसी भी व्यक्ति को हेल्पलेस नहीं छोड़ता है अगर मान के चलिए आप विद इन लिमिटेशन चेक बैंक में भुगतान के लिए पेश नहीं भी कर पाए हैं तब फिर आपके पास सिविल राइट तो अब भी बचा हुआ है आपराधिक दायित्व तो अगर आप उसका नहीं भी बना पाए तब भी आपके पास वसूली का दावा लगाने के लिए तो समय सीमा बची रही है तो आप सम... उस समय सीमा में जाके वसूली का दावा दायर कर सकते हैं बिल्कुल नंद स्वरूप जी जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कानून के बारे में यह अवधारणा होती है कि कानून की जानकारी सभी को होना चाहिए और खास तौर से चेक बाउंस की जहाँ तक बात है तो उसमें समय सीमा का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है जो चेक पर डेट डली है उसे ध्यान से देखकर उस समय सीमा में उसको प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है वरना आप चेक बाउंस से संबंधित जो कानून है उसमें सहायता आपको नहीं मिलेगी वन में बाकी आप सिविल रेमेडी में जा सकते हैं सर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो प्री मेच्योर कंप्लेंट होती है जी तो उनके बारे में कोर्ट किस तरह से कार्रवाई करती है जी कंप्लेंट

पेश कर दिया जाता है जिसमें कि वो चेक बाउंस का अपराध पूरा हुआ है जी। चेक बाउंस के लिए अपराध की जो समय सीमा है वो धारा एक 138 में ही बताई गई है जी। और जैसे कि मैंने बताया कि तीन महीना जो जो सर्कुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर आया था 2011 में 4 नवंबर 2011 का सर्कुलर है जो एक अप्रैल 2012 से लागू हुआ उसमें चेक की लिमिटेशन को जो है छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया गया है तीन महीने के भीतर चेक पेश होना चाहिए डिसऑनर होने के बाद या बाउंस होने के बाद तीस दिन के भीतर नोटिस भेजा जाना चाहिए नोटिस भेजे जाने से पंद्रह दिन के भीतर भुगतान न होने के बाद कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है लेकिन कई बार वो पंद्रह दिन का जो पीरियड होता है ग्रेस पीरियड जो दिया गया है एक हमारे ऑनेस्ट ड्रॉवर के लिए जो सेफ बताया गया है कई बार क्या होता है कि आपने नोटिस भेजा और नोटिस भेजने के बाद ही आप न्यायालय में मामला दायर कर देते हैं तो ऐसे मामले जो होते हैं वो प्रीमेच्योर दावे होते हैं इसके संबंध में यद्यपि कानून में तो कोई एक्ट में कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं है परंतु मान्य सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण मामले प्रीमेच्योर कंप्लेंट को समझने के लिए मैं जानता हूँ कि बताना जरूरी है पहला मामला जो था नरसिंहदास तापड़िया का मामला था तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई प्रीमेच्योर कंप्लेंट कोर्ट में आ जाती है तो उस कंप्लेंट पर विचार ना करते हुए न्यायालय उसे तब तक के लिए स्थगित करके रखेगा जब तक कि उसकी परिपक्वता अवधि पूरी नहीं हो जाती है और जैसे ही उसकी परिपक्वता अवधि पूरी होती है न्यायालय उस पर संज्ञान लेगा और आगे की कार्यवाही करेगा पर उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मामला आया योगेंद्र प्रताप सिंह विरुद्ध सावित्री पांडे का जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पुरानी अवधारणा को बदलते हुए ये कहा है कि जब तक 138 की वो पूरी समय सीमाएं जो हैं वो पूरी नहीं होती है तब तक तो कोई अपराधी निर्मित नहीं हुआ और जब अपराध निर्मित ही नहीं हुआ तो न्यायालय में जाने का कोई अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त ही नहीं हुआ है तो ऐसी कंप्लेंट पर संज्ञान नहीं लिया जाता है या विचार नहीं किया जाता है ऐसे परिवाद जो है वो वापस कर दिए जाते हैं और जैसे ही उसकी समय सीमा पूरी होती है आप उस मामले में दोबारा से परिवाद दाखिल कर सकते हैं मतलब ऐसे प्रीमेच्योर कंप्लेंट को अगर कोर्ट ने वापस कर दिया तो उस उसी मामले में दूसरी कंप्लेंट लगाई जा सकती है जी हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस संबंधी कानून की तो जब किसी को कोई प्रकरण दायर करना होता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है और वो कौन से दस्तावेज होते हैं और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आवेदक को सिद्ध करना होते हैं इस संबंध में जी अच्छा प्रश्न है ये और ये जानना जरूरी भी है जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि चेक बाउंस का जो कानून है इसके न्यायालय में आने की जो प्रक्रिया है जी। तो ये केवल और केवल निजी परिवाद प्राइवेट कंप्लेंट पर ही चलने वाले मामले हैं जी प्राइवेट कंप्लेंट में कंप्लेंट शब्द जो छुपा है परिवाद सुनने में कई बार लगता है परिवाद क्या है तो इसको भी मैं सरल शब्दों में बताना चाहूँगा परिवाद से आशय होता है किसी मजिस्ट्रेट से की गई ऐसी शिकायत जी कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है तो जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाए जी तो चेक बाउंस प्राइवेट कंप्लेंट पे चलेगा इसके विचारण की प्रक्रिया सीआरपीसी में सी निर्धारित की गई है जी संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया इस समरी विचारण इसके लिए प्रक्रिया बताई गई है जी किन किन चीज़ों को अपने परिवार में हमें उल्लेखित करना है इसके संबंध में बताना चाहूंगा कि जो संव्यवहार हुआ है उस संव्यवहार का विनिर्दिष्ट वर्णन होना चाहिए ये दायित्व तो जो चेक संबंध में दायित्व तो जो आप बता रहे हैं ये कैसे उद्भूत हुआ कैसे पैदा हुआ चेक वैधतावधि में लगाया गया बाउंस होना नोटिस भेजना नोटिस मिलने के बाद भुगतान ना करना ये सारी बातें आपको अपनी कंप्लेंट पर लिखनी होगी इसके साथ ही जैसा आपने जो दूसरी चीज पूछी है कि क्या क्या चीजें एक मामला लगाने वाले व्यक्ति को या परिवादी को न्यायालय में जाके सिद्ध करनी होती करना तो इस मामले में सिद्धि भार का जो जहां तक प्रश्न है सबसे पहले तो आपको यही बताना होगा कि ये चेक जो है ये किसी ऋण या विधिक दायित्व की पूर्ति के लिए जारी किया गया है जी। और जो एक की कंप्लाइंस है वो आपने की है चेक अभियुक्त के खाते का था उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर थे जी। ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं और परिवाद जो होता है वो हमेशा और हमेशा लिखित में लगाना होगा जी। परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र भी लगाया जाता है शपथ पत्र अनिवार्य है और दस्तावेज जो हैं जो ओरिजिनल दस्तावेज है चेक हो गया डिसऑनर मेमो हो गया और जो नोटिस हो गया नोटिस भेजने की रसीद हो गई ये सारी चीज़ें आपको कोर्ट में पेश करनी होती हैं प्लस आपको न्यायालय शुल्क भी देना होती है जी न्यायालय शुल्क से मतलब किसी मामले को जब हम कोर्ट में ले जाते हैं तो उस पर एक विधि द्वारा कुछ शुल्क जो है वो निर्धारित कर दिया गया है तो वो निर्धारित शुल्क भी आपको देना होता है बिना न्यायालय शुल्क दिए ये निजी परिवार के मामले जो है वो न्यायालय में चलने योग्य नहीं माने जाते जी सर एक हमारे दर्शकों को हम आपके माध्यम से सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि, कि कोई भी चेक लेते समय और चेक देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए क्योंकि कई बार ये होता है कि किसी ने कोई किसी दूसरे के खाते का चेक मांग के दे दिया बाद में उसे पता ही नहीं होता कि किस लिए दिया है उसने और फिर वो मुश्किल में फंस जाता है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसा कि अभी हमारे दर्शक ने जो प्रश्न किया था वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता था कि हमें कानूनी जानकारी तो होती नहीं है तो चेक के संबंध में चेक देने वाले के लिए जो सावधानियां रखना चाहिए मेरे हिसाब से सबसे पहली सावधानी तो ये होना चाहिए कि जब आप चेक जारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप एक महत्वपूर्ण अधिकार सामने वाले को सौंप रहे हैं तो चेक पर हस्ताक्षर जो आप कर रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि हमारे खाते में बैलेंस होता है और चेक बाउंस हो जाता है उसमें टीप लिख के आ जाती है सिग्नेचर नॉट नौ, मैच या सिग्नेचर डेफर्स तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे खाते में हमने जो बैंक में क्योंकि अमूमन क्या होता है कि आदमी का बैंक में जो सिग्नेचर स्पेसिमिन सिग्नेचर होता है वो कुछ अलग होता है और वो बाहर रोजमर्रा में जो साइन करता है वो अलग होते हैं तो आप जब जारी कर रहे हैं चेक तो सबसे पहले वही हस्ताक्षर करें जो आपके बैंक में स्पेसिमेट सिग्नेचर है दूसरी चीज चेक पर तारीख बड़े सोच समझ के डालें जिस दिन आप उस चेक का भुगतान वास्तव में करना चाहते हैं वो तारीख आप चेक पर डालें तीसरी चीज चेक पर राशि जो है वो अंकों में और शब्दों में एकदम स्पष्ट उसका उल्लेख करें जी। चेक किसके पक्ष में जारी किया जा रहा है हो सकता है हो सके तो इसका हमें स्पष्ट इस उल्लेख कर देना चाहिए अगर कि वो बियर चेक नहीं है तीसरी चीज अगर आपका म, किसी खाते से भुगतान के लिए आपने चेक जारी किया है तो उस पर अकाउंट पे ही, की टीप या क्रॉस उस पर हमें डबल क्रॉस जो करते हैं वो कर देना चाहिए चेक लेने वाले को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि अगर चेक पे कोई काट छाट है या आप अपने बिहाफ पे चेक ले रहे हो आपका नाम सही नहीं लिखा गया है कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो ऐसे चेक को आप ना लें दूसरी चीज चेक जब आपके पक्ष में जारी किया गया है तो जो अमाउंट आपको चाहिए ये देख लें कि उस अमाउंट को अंकों और शब्दों में सही सही भरा गया है या नहीं भरा गया और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो तारीख लिखी है उस तारीख को लेते समय आप जव, जरूर देख लें कि वो तारीख जो है वो आगे की तारीख है मतलब उस चेक की कुछ वैलिडिटी बची है या नहीं बची है कहीं सब ऐसा तो नहीं कि हम जिस दिन चेक ले रहे हैं उस दिन उसकी वैलिडिटी लैप्स हो चुकी है तो ये चीजें आपको चेक देते समय और लेते समय इन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को दर्शकों जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि चेक लेते समय भी और देते समय भी दोनों ही वक्त आपको सावधान रहना है चेक लेते समय चेक के एक एक कॉलम को आपको अच्छे से पढ़ना है एक एक चीज को ध्यान से देखना है जो उसमें राशि भरी गई है तारीख भरी गई है और हो सके तो सिग्नेचर भी देखें कि किए कि नहीं सामने वाले ने साथ ही चेक देते समय भी इन्हीं सब चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है सर कई बार ये देखने में आता है कि किसी कंपनी का कोई चेक दिया गया है और वो बाउंस हो जाता है तो अब एक लेमैन को नहीं पता कि वो किसके ऊपर केस लगा है। तो ऐसी स्थिति में किसका दायित्व होता है यदि कंपनी का चेक है तो जी बिल्कुल ये जो आपने प्रश्न किया है ये अक्सर समस्या आती है कि कई बार क्या होता है कि हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं हमें सैलरी के एवज में कोई चेक जारी किया गया अब वो चेक बाउंस हो गया तो हम परेशान होते हैं हमें पता नहीं कि हम किसके खिलाफ कार्रवाई करें तो, तो इसके संबंध में जो एक्ट निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है इसकी सेक्शन वन फोर्टी वन जो है वो विशेष प्रावधान करती है उसमें बताया गया है कंपनी द्वारा अपराध पर क्या प्रक्रिया होगी तो ऐसे मामलों में प्रक्रिया तो जो सामान्य प्रक्रिया परिवाद के लिए मैंने बताई है पूर्व में प्रक्रिया तो वही होती है बस इस मामले में हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं तो अपनी कंप्लेंट में हमें ये स्पेसिफिक लिख देना चाहिए कि ये जो चेक है ये कंपनी के द्वारा जारी किया गया चेक है जी और इसमें जो लायबिलिटी होगी वो जिस दिन चेक जारी किया गया जी उस दिनांक को कंपनी का जो प्रभारी होगा या कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए जो उत्तरदाई व्यक्ति होगा उसकी लायबिलिटी इस पे बनती है क्यों क्योंकि कंपनी का कंपनी का अपना कोई ऐसा स्वरूप है नहीं कि जिसको हम देख सकें या उसको हम न्यायालय में खड़ा कर सकें कंपनी अपने पैरों पर खड़ी नहीं रहती है वो अपने कर्मचारियों के पैरों पर खड़ी रहती है बिल्कुल तो उसका जो प्रबंध संचालक है मैनेजिंग डायरेक्टर है डायरेक्टर है सी है ये लोग जो होते हैं जिस दिन वो अपराध हुआ है उस दिन तक जो इसके कंपनी के कारोबार के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति होता है उसके विरुद्ध ये अपराध बनता है जी। दूसरी चीज इन मामलों में ये जो मैंने बताया कि आपको ये विशिष्ट रूप से उल्लेख कर देना चाहिए कि फला फला व्यक्ति जो था वो कंपनी के कारोबार के लिए उत्तरदायी था ये लिख देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप ऐसा उल्लेख नहीं करते हैं तो प्राइमरी लाइबिलिटी जो होती है वो कंपनी की है वाइकेरियसली या प्रतिनिधिक रूप से वो व्यक्ति जो कंपनी के विभाव पे काम कर रहा है वो दायित्वाधीन होता है जब आप कंपनी को ही दायित्वाधीन नहीं बताते हैं तो सेकेंडरी जो लाइबिलिटी है लायबिल्टी उसकी लाइबिलिटी भी आप स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं तो कंपनी के मामलों में विशेष रूप से यह सावधानी रखना चाहिए कि हम अपने परिवार में उन सारे तथ्यों का उल्लेख कर दें कि ये व्यक्ति कंपनी के कारोबार के लिए दायित्व अधीन था इस वजह से मैंने इसके खिलाफ ये मामला पेश किया है जी बहुत अच्छी बात कही है आपने सर चेक बाउंस संबंधी कानून में अगर हम सहायता और दंड की बात करें तो किस तरह की सहायता दिलाई जाती है आवेदक को और क्या दंड दिए जाते हैं यदि कोई इसका पालन नहीं करता है तो जी चेक बाउंस का जो कानून है बेसिकली मैंने बताया कि ये सिविल लाइबिलिटी है जी कि सिविल जो लॉ का भाग है चेक जारी किया गया तो ये उस तरह का अपराध नहीं है जैसे हम सामान्य आईपीसी के अपराध चोर डके, चोरी डकैती हत्या या लूट इस तरह के मामले देखते हैं तो उससे ये थोड़ा सा भिन्न अपराध है जी। और इसीलिए मैंने बताया कि ये एक्ट में मूल रूप से अपराध नहीं था बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसमें दंड के जो प्रावधान है उसमें दोनों आर्थिक रूप से हम प्रतिकर या जुर्माना जो देते हैं तो वो भी हम चेक पाने वाले जिसके पक्ष में चेक जारी होता है उसको हम जुर्माने के रूप में जो अभियुक्त पर जो जुर्माना लगाया जाता है उसमें से प्रतिकर दिलाते हैं और दूसरा जिस व्यक्ति ने वो चेक जारी किया है या जो आरोपी है अभियुक्त जो है जिसके विरुद्ध ये कार्यवाही चली है उसको दो वर्ष तक के कारावास का भी प्रावधान एक्ट में किया गया है तो ये दोनों सहायताएं जो है वो हमारे जो चेक के पाने वाले होते हैं उनको मिल सकती है सर एक सवाल और निकल के आता है कि कई बार ये देखने में आता है कि किसी ए ने कोई ऋण लिया है या कोई फाइनेंस कराया उसने और उसने हस्बैंड वाइफ हैं या रिश्तेदार हैं किसी दूसरे के खाते के चेक दे दिए अपने ऋण के अगेंस्ट में और ऐसी स्थिति में फिर बाद में जब दूसरे व्यक्ति के ऊपर दायित्व आता है तो उसका ये कहना होता है कि भाई उसको जानकारी नहीं होती कई बार फाइनेंस के, के केसेस में पोस्टेड टेट चेक की बात होती है जी, जी ऐसी स्थिति जी 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 तो एक व्यक्ति ने ऋण लिया और उसके लिए दूसरे के खाते का चेक दिया जी तो इसमें भी अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि गारंटी या सिक्योरिटी चेक की जो बचाव लिए जाते हैं कि मैंने तो भाई कोई लोन लिया नहीं था मैंने तो फला फला के सिक्योरिटी के रूप में ये चेक दे दिया था तो फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि चेक के बारे में अभी जितनी अपनी चर्चा हुई है इसमें से जो सार निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि जब आप अपने खाते का चेक साइन करके किसी दूसरे को देते हैं जी। इसका मतलब है कि आपने सामने वाले को एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया है जी। और खुद पर एक दायित्व जो है वो आपने ओढ़ लिया है तो ये सिक्योरिटी के मामलों में भी यही स्थिति लागू होती है कि अगर आपने गारंटर के रूप में भी चेक दिया है और उस गारंटी को साबित करने लायक कोई आपके पास ऐसा दस्तावेज नहीं है कि इस चेक की कोई लाइबिलिटी नहीं है या मैंने जिसके लिए ये गारंटी दी थी उसने उस गारंटी का पालन कर दिया है यानी उसका दायित्व तो जो है वो पूरा हो गया है तब तक आप उस चेक के लिए उसी तरह से दायित्व अधीन है जैसे कि वो चेक आपने खुद अपने ऋण के लिए जारी किया है सर में जानना चाहेंगे कि जो अभी संशोधन नए नए हुए वो क्या क्या है है और क्या प्रावधान है, समय का अभाव है जी, तो संक्षिप्त में हम आपसे जानना चाहेंगे जी बहुत म, अच्छा प्रश्न आपने किया है क्योंकि अभी आ, मैंने मतलब पिछले कुछ दिनों में देखा है कि चेक बाउंस के मामले में एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण जो जजमेंट आया था तो उसके बाद कुछ इस तरह की भ्रांतियां बन गई हैं कि अगर हम पार्ट पेमेंट कर देते हैं तो चेक बाउंस के मामले नहीं चलेंगे तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले से नहीं आई है बाईस में जो एक फैसला दिया गया है तो उस फैसले में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कहा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि अगर एक उदाहरण के तौर पे इसको समझ सकते हैं कि एक चेक लाख रुपए के लिए जारी किया गया जी। चेक जारी हुआ दो जनवरी 2023 को जी। और उसको पेश करना किया गया जो है पंद्रह जनवरी दो हजार तेईस को उस पंद्रह में अगर उस चेक की राशि के संबंध में कोई भुगतान प्राप्त हो जाता है तो जो वो केस लगाता है कोर्ट में उसकी ये लाइबिलिटी है कि वो उस चेक पर एक प्रश्न करेगा इनकेस्टमेंट के लिए जब वो चेक बैंक में पेश किया जाता है तो उस पर एक एंडोर्समेंट करेगा चेक के पीछे लिखेगा कि इतनी राशि हमने प्राप्त कर ली है या उसके साथ पर्ची जो है सर, उसमें लिखेगा हमको कार्यक्रम को यही विराम देना होगा समय का अभाव है बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस विषय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी दर्शकों जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि चेक बाउंस संबंधी कानून के बारे में सबसे अहम चीज है कि आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए चेक लेते समय देते समय क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस विषय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी अगले अंक में फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे तब तक ले आके दीजिए नमस्कार नमस्कार